नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। टीकमगढ़ बाईपास के पास स्थित वाजपेयी तालाब में मंगलवार को लाश पड़ी होने की सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया, लेकिन लाश इतनी अधिक फूल चुकी थी कि पहचान करना मुश्किल नजर आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लाश दो दिन पुरानी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौके पर कोतवाली प्रभारी शैलन सिंह, अतिरिक्त प्रभारी सुनील कुमार, उप निरीक्षक अश्वनी दीक्षित, शिवम बघेल सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर शिनाख्त कराई जा रही है। मृतक के बदन पर कोई भी कपड़े नहीं थे। कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह का कहना है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मौरानीपुर से मनीष नायक की रिपोर्ट।